राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से लेकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए तो पहचान रखता ही है, लेकिन साथ ही अब जोधपुर में जिस तरीके से बड़े बड़े एजुकेशन के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित हो गए हैं और सूर्य नगरी जोधपुर पहले से पर्यटन नगरी के रूप में भी पहचान रखती है। अब कृषि के प्रति जिस तरह से सरकार और किसानों का अलग अलग तरह से योगदान बढ़ रहा है, तो उसी के चलते जोधपुर में कृषि को लेकर अलग अलग तरह के शोध होने लगे हैं। उसके बाद में अब ये संभावना जताई जा रही है कि जोधपुर कृषि पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा सेंटर बन सकता है। इसे लेकर कृषि विभाग के अधिकारी और किसान पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। हमारे देश में कृषि एक व्यवसाय से ज्यादा एक संस्कृति है। पर्यटन देश की प्रमुख उद्योग एवं आय का स्रोत है। इस उद्योग को अगर कृषि व्यवसाय के साथ जोड़ दिया जाए तो कृषि पर्यटन किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। कृषि पर्यटन सामान्य पर्यटन का ही एक प्रयास है, जिसमें पर्यटकों को मनोरंजन के साथ साथ खेती बाड़ी, पशुपालन और ग्रामीण जीवन को समझने और सीखने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इससे पर्यटन को एक विकसित कृषि फार्म जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, पर्यटकों के ठहरने की सुविधा से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान और मेल मिलाप का अवसर दिया जाए। जोधपुर के कृषि विभाग के उप निदेशक बीके द्विवेदी ने पश्चिमी राजस्थान में कृषि पर्यटन की संभावना को देखते हुए बताया कि पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर स्पष्ट है कि राजस्थान में पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। सरकारी स्तर पर यदि इसे ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को न केवल आर्थिक लाभ मिल सकेगा बल्कि रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा। उन्होंने सरकार को कृषि पर्यटन को विकसित करने के लिए कई सारे सुझाव भी भेजे हैं, जिनमें उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि कृषि विभाग ATMA योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसानों के फार्म्स को ठहराव बिंदुओं के रूप में चिन्हित करे, साथ ही वहाँ अतिरिक्त आवास और आधुनिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकारी सहायता दे, कृषि विभाग को नोडल एजेंसी घोषित करते हुए BLPS को 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में स्थित पर्यटन आकर्षण बिंदुओं की मैपिंग की जाए, कृषि पर्यटन हेतु उपयुक्त फार्म हाउसों के चिन्हीकरण किए जाएं, तो पर्यटन की दशा बदल सकती है। इसके बाद उन्हें एक विशेष वेबसाइट पर डाला जाए ताकि पर्यटक किसी भी फार्म विशेष पर उपलब्ध तकनीकी नवाचारों, सुविधाओं और सीखने की संभावनाओं का आकलन और अवलोकन कर सके। मारवाड़ एक बहुत शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है टूरिज्म के लिए, एग्री टूरिज्म के लिए। मैंने देखा यहाँ हमारी आत्मा योजना के तहत कुछ किसानों को हम पंचायत समिति स्तर पर अवार्ड देते हैं, एक पंचायत समिति पे दो किसानों को हम अवार्ड देते हैं, तो टोटल 16 पंचायत समिति, यानी कि हर साल पिछले 10 साल से हम ऑन एन एवरेज 32 किसानों को अवार्ड देते जा रहे हैं। वो अवार्ड इस आधार पर मिलता है कि उसका फार्म कितना उत्कृष्ट स्तर का है, उसके यहाँ पॉली हाउस भी लगा हुआ है, उसके यहाँ पशुपालन भी हो रहा है, उसके यहाँ जलहौज और कम्युनिटी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है, सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग। आजकल एक नया ट्रेंड ये निश्चित रूप से आया है, मैं अनुभव कर रहा हूँ, कि लोग बाग पहाड़ और वो पेड़ वो देख देख के संभवतः उब गए हैं। अब वो ढूंढते हैं कोई ऐसी रिमोट इंटीरियर जगह में जाए जहाँ एक कम्प्लीट फार्म हो, वो भी सीखे, उनके बच्चे भी, परिवार के सदस्य भी सीखें कि आखिर एग्रीकल्चर फार्मिंग है क्या, गेहूं का पौधा कैसा होता है पहचाने तो सही, दूध कैसे दूहते हैं पहचाने तो सही। निश्चित रूप से ये जो सारी जो अपन बातें कर रहे हैं, वापस अगर क्रॉप को डेवलप करना है या टूरिज्म को डेवलप करना है तो इन सब फसलों का आधार जो है वो जैविक कृषि है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर टूरिज्म के लिए भी बात करें तो लोग अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, पर्यटन के लिए अगर कहीं किसी क्षेत्र पर आएंगे तो निश्चित रूप से उनको खाने के लिए और देखने के लिए भी ऐसा क्षेत्र और ऐसा खेत चाहिए जहाँ पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि हो, तो अगर जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं तो ये टूरिज्म निश्चित रूप से डेवलप हो सकता है। गौरतलब है कि कृषि ग्रामीण पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जो देहाती इलाकों में संचालित होती है। ये बहुआयामी है, जिसमें कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन शामिल है। कृषि ग्रामीण पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण कृषि में पर्यटकों की संख्या के साथ लोगों के बीच व्यापार का स्तर बढ़ने से उनकी आय का स्तर भी बढ़ेगा, साथ ही किसानों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। शहरी जन को कृषि को देखने समझने का मौका मिलेगा, इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में ग्रामीण पर्यटन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में अभी कृषि और ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत होनी है। प्रदेश सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठा रही है, फल उत्कृष्टता केंद्रों को कृषि पर्यटन से जोड़ रही है।
ये तस्वीर पश्चिमी राजस्थान के खेतों की है, जहां पे उन्नत फसल जो है वो अपना परिचय खुद दे रही है। सबसे बड़ी बात है, कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो जोधपुर कहीं ना कहीं कृषि पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है। पहले से ये स्थापत्य कला के नमूने हैं, 550 साल पुराना किला है, पर्यटन नगरी के रूप में पूरे विश्व में पहचान रखते हैं। शाही शादियां यहाँ पर हो रही है, शाही आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो रही है, और ऐसे में कृषि पर्यटन जहाँ पे जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के साथ कितने का राजस्व मिलेगा उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है, यदि इस आइडिया को जो अधिकारियों ने उच्च स्तर तक पहुँचाया है मान लिया जाए तो निश्चित रूप से कृषि पर्यटन भी विकसित हो सकता है। स्वयं भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।